सर बहुत भारी हो जाता है पूरा सर, और इनके शोहर के भी यही है, यानी इनका पेट भी बाहर आ रहा है। तो अब उसके लिए भी देखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहन कौन और कहाँ से? मैं सानिया बात कर रही हूँ, बर्मिंघम से। जी बहन सानिया, क्या सवाल है आपका बर्मिंघम से? अच्छा, मुझे आपसे ये पूछना था कि मेरा सर काफी भारी हो जाता है और किसी से बात करने को दिल नहीं करता, और एक बात और पूछनी थी, मेरे हस्बैंड का पेट काफी बढ़ गया है, उनके बारे में कुछ बता दें। और अभी जो आपने काढ़े के बारे में कुछ बताया नहीं है, वो दोबारा प्लीज रिपीट कर दें। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा ये बताइए, सर भारी हो जाता है, आपने घर के कितने अफराद को संभाला हुआ है? आपके कितने बच्चे हैं? मेरी एक ही बच्ची है। एक बच्ची है, तो आपके सर में क्या बोझ है, आपने इतना सर को भारी किया हुआ है? कोई बोझ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, हम सब ठीक है। पता नहीं है कि वैसे हो जाता है मुझे। तो क्या हमेशा भारी रहता है, या सुबह के वक्त में या शाम के वक्त में? किसी भी टाइम पे हो जाता है। अच्छा, क्या एक साइड भारी होती है या पूरा सर भारी होता है? पूरा सर भारी हो जाता है। आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है? आपके हस्बैंड के लिए मैं दोबारा जिक्र करूँगा, ठीक है? बहन सानिया है बर्मिंघम से। सर बहुत भारी हो जाता है पूरा सर, और इनके शोहर के भी यही है, यानी इनका पेट भी बाहर आ रहा है। तो अब उसके लिए भी देखें। बहन सानिया, सर भारी हो रहा है, पूरा भारी होता है। एक तो ये कि कब्ज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कि अयाम में, पीरियड में अगर बेकायदगी हो, उसकी वजह से भी सर में दर्द होता है। तीसरा अमल ये है कि तीसरी वजह ये हो सकती है कि आप, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सर पे बोझ या किसी बात की टेंशन आपने ली हुई है, या ख़ानदान में बहुत सारे हमारे लोग क्या करते हैं, जिस तरह बच्चों को पालते हैं ना, इस तरह बातों को भी पालते हैं, टेंशन को पालते हैं, परवरिश करते हैं। भाई उसने ये बात कही थी, क्यों कही थी, कैसे कही थी, अब जाहिर बात है दिमाग चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है। बर्तन धो रही है, वहाँ भी चल रहा है, खाना पका रही है, वहाँ भी चल रहा है, और स्टिल अब तो वो क्या है, बोझ बनता है। तो सर को हल्का रखें, कोशिश करें कि सर पे बोझ ना करें, और सैतून के तेल से सर पर मसाज करें, और गर्दन के ये जो दोनों हिस्से हैं यहाँ इसका मसाज किया करें तेल के साथ। जैतून का तेल और कलौंजी का तेल, इनको हम वज़न कर लें, नीम गर्म करके इसको मसाज करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ सर में ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो आप ये जो मेथी दाना है ना, मेथी दाना और इंजीर, इसको रात को घीला करें, एक चम्मच जो है मेथी दाना ले लें, और इसी तरीके से इंजीर जो है वो 2 दाने ले लें, उसको रात को घीला करें, अपने हस्बैंड को भी दें और ख़ुद भी खाएं, और सुबह उठकर पानी भी पिएं उसका, वो भी खा लें। और दिन में सौंफ, अदरक और जो है मिंट, सौंफ, अदरक और मिंट, इसका कावा बनाएं, इसका कावा बनाकर अगर इसमें अजवाइन भी डाल दें तो बहुत अच्छा है। तो इससे इंशाल्लाह आपको ख़ुद ब खुद ग्रीन टी बनाकर पिएं, तो आपकी तबीयत ऐसी खुलेगी कि आपको सर का दर्द, और आप अपने आप को, और ग्रीन टी को आप चुस्की ले लेकर आराम से पिएं, तो इंशाल्लाह आप देखें आपके सर में दर्द जो है आहिस्ता आहिस्ता आराम होना शुरू हो जाएगा।